मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में बवाल मच चुका है। लोजपा गुट से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। अब 3 नंबर की पार्टी है, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संजय जायसवाल ने बताएंगे कि वो पीएम मटेरियल हैं। यहाँ के भाजपा के नेता लोग सोचें कि किसको पीएम मटेरियल उनके संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा जी बता रहे हैं। देखिए, इस बयान से मुझको ये लगता है कि जदयू में आपस में इतना ना बिखराव है कि जदयू जल्द ही एक ज्वालामुखी पर ठहरी हुई है। ज्वालामुखी में विस्फोट जिस दिन होगा उस दिन पता चलेगा उसका लार्वा जो गिरेगा ना लावा, वो एकदम जदयू को तहस नहस करके जदयू इतिहास हो जाएगा कि जदयू नाम की एक पार्टी हुई थी। आप ये मानते हैं कि है मटेरियल पीएम मटेरियल? अरे जी, इसको बिहार की जनता रिजेक्ट कर दी है, 43 पे ले आकर सिमट कर दी है, वो पीएम मटेरियल। अरे वो सीएम मटेरियल है ही नहीं, तो पीएम मटेरियल की चर्चा कहाँ से करते हैं? वो अब सीएम मटेरियल भी नहीं रह गए, बिहार की जनता उनको पूरी तरह से नकार दी है। मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की जो जन सैलाब उमड़ रहा है आशीर्वाद यात्रा में, उनके गृह जिला नालंदा में लाखों की संख्या में लोग आकर के उमड़ पड़े थे चिराग जी के आशीर्वाद देने के लिए। तो जब उनके गृह जिला की हालत है तो बिहार की क्या हालत होगी? आप हम तो घूम रहे हैं आशीर्वाद यात्रा में, आप एक बार देखिए जा करके, ये पूरा जनसैलाब उनको नकार चुका है। वो अब सीएम मटेरियल भी नहीं रह गए तो पीएम की बात कर रहे थे, तो बहुत बड़ा हास्यास्पद की बात है। तो आपने सुना राजू तिवारी को, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि सीएम नीतीश पीएम मटेरियल तो क्या, वो तो सीएम मटेरियल भी नहीं है, उन्हें बिहार की जनता ने नकार दिया है। विधानसभा चुनाव के वक्त उनकी पार्टी 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, तो उसी से पता चलता है कि उन्हें बिहार की जनता ने नकार दिया है। जिस तरह से चिराग पासवान इस वक्त आशीर्वाद यात्रा में निकले हुए हैं और उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, इससे साफ हो जाता है कि बिहार की जनता एक दूसरा विकल्प खोज रही है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जिस तरह से चिराग पासवान के लिए भीड़ उमड़ी थी, इससे साफ पता चल जाता है कि लोग अब नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद पर। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि पीएम पद के लिए 10 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा लोजपा गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बीजेपी के नेता, बड़े नेता जैसे संजय जायसवाल ये बयान देते तब इसका कुछ अर्थ भी निकलता, लेकिन जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ये बातें कह रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को नहीं चाहती है, तभी तो वो एक दूसरा विकल्प ढूंढ रही है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।